नमस्कार दोस्तों जैसा आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही डी की तरफ से जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक सर्विस एलोकेशन का लेटर आया है भले ही रिज़ल्ट हमारा तीन महीने पहले आ गया था बट एक जो फ़ील होती है एक सर्विस एलोकेशन के लेटर की ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और एक बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करती है सारे कैंडिडेट्स के मन में तो आई एक तरीके का ड्रीम है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो अगर आप भी इस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी तो जी तोड़ लगन और मेहनत अगर आपने कर ली तो फिर डेफिनेटली आपका भी ये जो सपना है वो पूरा हो सकेगा मैं अमोल श्रीवास्तव आपके सपने को हकीकत बनाने के लिए थोड़ी सी आपकी मदद करना चाहता हूँ मैंने अभी इन दिनों जितने भी लेक्चर्स किए हैं वो यूजुअली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग उनके लिए थे पर uh, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई हैं कि जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं काफ़ी सारे मित्स होते हैं तो वो मैं थोड़ा आज उनको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि कैसे वो तैयारी करें और आगे जाके जब यू का एग्ज़ाम दें तो वो भी सफ़ल हो सकें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कॉलेज के स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए कुछ लोगों को तो लगता है कि क्लास टेंथ के बाद से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या कुछ लोग फर्स्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है अगर आज के टाइम में देखा जाए तो एक साल की अच्छी मेहनत अगर करी जाए तो फिर दैट इज़ मोर देन अनफ फॉर गेटिंग द क्लैरिटी इन दिस एग्जामिनेशन तो इसमें जो लोग इस समय फोर्थ ईयर में हैं और अगले साल ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको तो प्रॉपर पूरा जो प्रोसेस है टेस्ट सीरीज़ का आंसर राइटिंग का वो अभी से शुरू कर देना चाहिए और इनफैक्ट आई होप सब कर दिया होगा पर जो लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या अपने प्री फाइनल ईयर में हैं तो अगर हम उनकी बात करें तो उनके पास अभी थोड़ा टाइम है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि आप प्रिपरेशन में बहुत जल्दी कूदिए मत कुछ लोग को मैंने देखा है कि फ़र्स्ट ईयर से ही वो सारी चीज़ें करने लग जाते हैं आंसर राइटिंग भी टेस्ट सीरीज़ भी तो आई थिंक वो इतना ज़रूरी नहीं है अभी इतनी जल्दी कि आप इतनी सारी चीज़ें करें सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या प्री फाइनल ईयर में हैं अपने तो वो इस एग्ज़ाम को समझें पहले क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा स्टूडेंट लेवल का माइंडसेट होता है कि टेस्ट के लिए पढ़ना है फिर उसी से मा मार्क्स आ जाएंगे पर यूपीएससी एग्ज़ाम थोड़ा अलग होता है वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट की उनको यूपीएससी को तलाश होती है तो वहाँ हमें थोड़ा स्टूडेंट माइंडसेट से हट के एक प्रोफेशनल माइंड सेट पर आना पड़ता है तो आप इस पहले सबसे पहले एग्जाम के डिमांड को समझिए कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें इंटरलिंकिंग कैसे होती है इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसमें एप्लीकेटिव एस्पेक्ट देखा जाता है किसी भी सब्जेक्ट का फिर थोड़ा ग्रेजुअली अप्रोच कीजिए पता चले कि आपने अपने पहले साल में फर्स्ट ईयर के कॉलेज में ही इतनी मेहनत कर दी कि आप बोर हो गए प्रिपरेशन से कि नहीं आपसे तो ये प्रिपरेशन हो ही नहीं सकेगी तो इतना भी नहीं रखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करिए इस सब ये जो यू के सब्जेक्ट्स होते हैं सारे वही अपने हमारे आ, क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक जो हमने हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी पढ़ा होता है मोस्टली उन्हीं से होते हैं तो इसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप करने की बहुत ज़रूरत होती है तो बुक्स पढ़िए अच्छी न्यूज़पेपर पढ़िए डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए राज्यसभा टीवी के डिबेट्स देखिए लोकसभा टीवी के प्रोग्राम्स देखिए तो इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और अगर अभी आप ये सोच नहीं पाए कि इसमें आपका इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा तो मेरा इसमें पर्सनल सजेशन है कि आप ये जो दो बुक्स हैं इनको एक बार पढ़ के देखिए पहली है आर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप जी और दूसरी है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत ये काफ़ी फेमस बुक है तो अगर आप ये दोनों बुक्स पढ़ेंगे और इसमें आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें और आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सिविल्स की जो आगे की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे जहाँ तक बुक लिस्ट की सवाल है जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको पढ़नी चाहिए तो वो बुक लिस्ट तो एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है वो आपको किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी टॉपर के ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा बट यहाँ पर हमेशा रिकमेंडेड होता है कि एन से पढ़िए बट एन काफ़ी बोरिंग हो जाती हैं कई बार पढ़ने के लिए स्पेशली कॉलेज में जब आप इतनी मोटी मोटी और आ, बुक्स पढ़ रहे हैं फॉरन ऑथर्स की तो एन पढ़ना डेफिनेटली बोरिंग लगता है बट यहाँ पे मैं एन की एक इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ क्योंकि हमने ये सब जो हिस्ट्री सिविक्स जोग्रफी है लगभग क्लास ट्वेल्थ में छोड़ दिया होता है काफ़ी सारे लोगों ने जो लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो वापस हमें वापस हमें इस एग्ज़ाम माइंडसेट में लाना या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के माइंडसेट में लाने के लिए एन काफ़ी हेल्पफुल होती हैं तो डेफ़िनेटली जोग्राफी हो गई हिस्ट्री हो गई आप इसमें एन से शुरुआत करिए अच्छा रहेगा फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज़ जैनफ और यहाँ मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट लेके पढ़िए सिर्फ बुक्स ख़त्म करने के लिए मत पढ़िए कि आपने सारी एन ख़त्म कर ली या जो आपको एक बुक लिस्ट किसी सीनियर ने या कहीं से आपको वेबसाइट से मिल गई आपने उसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करी तो उससे भी फायदा नहीं होगा जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक आपको चीज़ों में समझ नहीं आएगी जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी तब तक फ़ायदा नहीं होगा तो अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट्स की देखिए प्लेसमेंट्स जो होते हैं वो एक बहुत टफ डिसीजन हो जाता है कॉलेज के फाइनल ईयर में कि हमें प्लेसमेंट्स लेने हैं कि नहीं लेने ये टोटली आपकी कॉल है और आजकल देखें तो इस साल के कैंडिडेट्स हम देखें तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक या दो साल जॉब करके आ रहे हैं और फिर भी वो बड़ी आसानी से इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और उन वो अपना एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं तो प्लेसमेंट्स में अगर आपको नहीं बैठना है तो ये भी आपके एक बहुत क्लियर अप्रोच होनी चाहिए और अगर बैठना है आपको जैसे मैंने एक साल जॉब किया है तो मुझे उस प्लेसमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि मेरी जो अप्रोच थी सिविल सर्विसेज को पढ़ने की जॉब छोड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई थी वो स्टूडेंट माइंडसेट से हटके मैं थोड़ा आ, काम करने लगा थोड़ा रिस्पॉसिबल ज़्यादा हो गया था अकाउंटेबल हो गया था अपने काम के लिए डेडलाइंस मीट करना मेरे लिए आसान हो गया था तो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करता है प्लेसमेंट्स बट ये टोटली आपकी कॉल है कि आप प्लेसमेंट्स लेके जॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते अगर आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि आपको जॉब करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल जॉब करिए बहुत सारे वर्किंग कैंडिडेट्स भी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं तो अब ये क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट हमारे पास इतना आ गया है तो कहीं पर भी ये एक लिमिटेशन नहीं रह गया है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए प्रिपरेशन करना मुश्किल है एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के या किसी भी एस्पिरेंट के मन में बैकअप की बड़ी समस्या रहती है कि हमें अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है अगर नहीं हुआ तो हम क्या करें देखिए बैकअप बहुत ज़रूरी है बिना उसके आपके दिमाग में टेंशन रहेगी बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप सिर्फ़ बैकअप पे ही फोकस करते रहेंगे तो आप अपने एग्जाम पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे तो बैकअप बहुत सारे हो सकते हैं आप मास्टर्स कर सकते हैं आप एमबीए कर सकते हैं आप Uh, कोई किसी सब्जेक्ट में आप आगे जाके फेलोशिप कर सकते हैं या किसी गवर्नमेंट के और एग्ज़ाम जैसे हम देखें सी ए पी एफ़ देखें देन uh, uh, किसी बैंक का एग्ज़ाम आर बी आई के एग्ज़ाम सारे बैकअप होते हैं बट यहाँ पर मेरा एक सजेशन है कि एटलीस्ट दो से तीन अटैम्प्ट फुलजेट प्रिपरेशन यू पी एस सी की कर सिविल सर्विसज एग्जामिनेशन की दीजिए अगर आपने बैकअप पर ज़्यादा ध्यान दे दिया तो फिर आपका माइंड डिविएट कर जाएगा और शायद जो आप एक अपने आई ए एस के गोल को अचीव कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो इसमें एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इसमें एक ईयर गैप भी होता है अगर आपने पढ़ा यू के लिए पढ़ाई करी और आपका कोई ईयर गैप हो गया तो इसमें आपको यू पी नहीं करती है तो आप इसमें बेफिक्र रहिए कि आपको कुछ और दिखाना पड़ेगा कि आपने एक दो तीन साल क्या किया अपनी कॉलेज के बाद हाँ अगर आप यू के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं तो डेफ़िनेटली आपको उसमें इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे जहाँ तक रही बात दूसरे एग्ज़ाम्स की तो आप अभी कॉलेज में हैं आपके पास सफिशेंट टाइम है इसको प्रिपेयर करने का तो आप एक बार सारे एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिए थोड़ा सा पढ़ने से मेरा ये मतलब है कि जो भी उसका सिलेबस है जो भी कुछ बेसिक बुक्स हैं उसकी वो आप एक बार पढ़ के देखिए फिर आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस एग्ज़ाम में आ रहा है अगर आपका इंटरेस्ट आई में ही आ रहा है सिविल सर्विसेज में आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करिए अगर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको यहाँ पर एक फ़ायदा मिलेगा कि आप अपना ऑप्शनल जो है वो अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं या आप जिस भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप वो ऑप्शनल भी चूज़ कर सकते हैं इस चीज़ में और भी जो एग्ज़ाम्स हैं थोड़ा आप पढ़ के देखेंगे तो आपको अपनी लाइकिंग खुद समझ में आ जाएगी और आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं तीसरी चीज़ जो कि एक मिथ है या लोगों के मन में डाउट है वो ये है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें तो ऑप्शनल चूज़ करने के लिए आप अभी थोड़ी जल्दबाजी मत करिए जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे उससे एक डेढ़ साल पहले ही ऑप्शनल चूज़ करिए अभी इतना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऑप्शनल की चिंता मत करिए पहले जी एस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए देखिए अगर आपको अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का ही ऑप्शनल चूज करना है तो वो भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाएगा तो फिर आप अपनी जो कॉलेज में जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसको थोड़ा पढ़ाई को और डेडिकेटेडली कीजिए देखिए कि यूपीएससी में वैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से और ट्राई कीजिए कि आपका ऑप्शनल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके अगर आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से अलग हट के ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें आप पहले एक बार जी पढ़ लीजिए उसमें से देखिए कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं और फिर उनका आप ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं तो आपके पास अभी सफिशेंट टाइम है ऑप्शनल चूज़ करने के लिए इतनी जल्दी ऑप्शनल के लिए परेशान मत होइए और यहाँ पे अगर आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से अलग हट के ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो इसमें भी आपको यूपीएससी पेनलाइज नहीं करती है अगर इंटरव्यू में बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका ग्रेजुएशन तो इस सब्जेक्ट में था बट आपने ऑप्शन चेंज क्यों किया तो आप कोई भी आंसर उसको दे सकते हैं जो आपके इस चेंज को जस्टिफाई कर सके पर इसमें आपके मार्क्स नहीं कट कट होंगे तो इसलिए आप बेफिक्र होकर कोई भी ऑप्शन चुनिए वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए जो अब आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे वो पिछले साल के स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड नहीं होना चाहिए कुछ लोगों को लगता है कि इस ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए या मैक्सिमम टॉपर्स के यही ऑप्शनल रहा है तो हमें भी यही ऑप्शनल लेना चाहिए ऐसा नहीं है जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आपको वही ऑप्शनल हेल्प करेगा क्योंकि ऑप्शनल पढ़ने के लिए हमें एक ऑनर्स लेवल तक पढ़ाई करनी पड़ती है और लगभग एक दो या तीन साल तक भी तैयारी करनी पड़ सकती है तो आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बना रहना चाहिए तो कॉलेज में जो हमारे दोस्त लोग इस समय पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि न्यूज़पेपर की इम्पॉर्टेंस को कम न्यूज़ की इंपॉर्टेंस कम मत रखिए न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का और ये आपको कॉलेज से ही डेवलप करना पड़ेगा यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स के माइंड में ये एस्पेक्ट होता है कि यू इज़ जस्ट अबाउट स्टडिंग हिस्ट्री जोग्राफी एंड इकनॉमिक्स इट्स नॉट द केस हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी इकनॉमिक्स ये बस एक बेस सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं बाकी जो मेन एस्पेक्ट है इस एग्ज़ाम का वो न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स ही हैं तो अगर आप भले ही अपना पूरी प्रिपरेशन अभी आपने स्टार्ट नहीं करी है पर डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए एडिटोरियल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उससे आपको चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो ज़रूर करिए तब आप धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और फिर उसके बाद जब आप एक फुल फ्लजेड तैयारी शुरू करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर से डील करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और जहाँ तक कोर सब्जेक्ट्स की बात है तो मैं अपना मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप पॉलिटी और इकोनॉमी से स्टार्ट करिए मैं मानता हूँ कि पॉलिटी और इकोनॉमी एक तरीके का बेस है हमारी प्रिपरेशन का क्योंकि उसी से हमें न्यूज़पेपर समझ में आता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो पॉलिटी या इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड हैं तो अगर आपने उसके बेसिक्स पढ़ लिए पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद आप हिस्ट्री और जोग्राफी पे आ सकते हैं हिस्ट्री और जोग्राफी पे आने के लिए एन जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा सोर्स है साथ ही साथ आप यूट्यूब वीडियोज़ भी देखिए क्योंकि अगर आप कॉलेज में हैं आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए तो आप कोई भी जोग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं ऐसे फॉर एग्जांपल मानसून पढ़ रहे हैं तो अगर आप उस पर एक यूट्यूब वीडियो देख लें तो आपको एनिमेशन के साथ और एक प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जोग्राफिकल कंसेप्ट हैं हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन तो वो आपकी एन की प्रिपरेशन को एक तरह का सप्लीमेंट करेगी और आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगी यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो यू की प्रिपरेशन होती है बहुत ज़्यादा कोरिलेशन और इंटरलिंकिंग की होती है तो इंटरलिंकिंग इसमें बहुत ज़रूरी है तभी आपका एप्लीकेशन आएगा क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम उसका एप्लीकेशन देखने के लिए पढ़ते हैं सिर्फ उसको उसका कंटेंट या उसकी कोर नॉलेज जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं तो अगर हम हमारा आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे हैं तो उससे हमें आज के इशूज़ समझ में आएंगे कि कैसे जली कटू के ऊपर प्रॉब्लम्स uh, आ रही हैं गवर्नमेंट क्या चाहती है सुप्रीम कोर्ट क्या चाहते हैं लोग क्या चाहते हैं तभी हमें आर्ट एंड कल्चर का एक्चुअल एस्पेक्ट समझ में आएगा इकॉनमी पढ़ने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है मृणाल पटेल जी के वीडियोस आप जाइए मृणाल पटेल चैनल पे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है आप डेफिनेटली एक दिन में एक या दो लेक्चर देख सकते हैं और आपको इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अब जब आप कॉलेज में हैं और प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है नोट मेकिंग का ये काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि पढ़ते पढ़ते कैसे नोट्स बनाए जाएं तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो भी आप एन या कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं आप डेफिनेटली उनके नोट्स बनाइए बट वो नोट सिर्फ नोट्स uh, बनाने के लिए मत बनाइए कि आपने जो भी कुछ पढ़ा ऑन द स्पॉट उसको सेम की सेम चीज़ हमने अपने नोट्स में कॉपी कर ली पहले उस चीज़ को समझिए उसका जैसे मैंने कहा यूट्यूब वीडियो देखिए उसके बारे में और डीप अंडरस्टैंडिंग करिए फिर उसको जो भी आपको समझ में आए अपने वर्ड्स में उसकी नोट्स बनाइए उससे क्या होगा एक तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी ऑल्सो आपकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होने लग जाएंगी अगर आप कॉलेज के टाइम से खुद नोट्स बनाने लगे अपने लैंग्वेज में तो आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है आपका वे ऑफ राइटिंग है वो डेवलप होगा और डेफिनेटली आपके आगे आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा अब जो अगला एस्पेक्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे वो है करंट अफेयर्स यूजुअली जो लोग कॉलेज में है वो आपसे आगे लगभग एक या दो या तीन साल बाद जाकर एग्जाम देने वाले हैं तो उनका ये सवाल रहता है कि हमें कब से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए तो अगर हम अभी का पैटर्न देखें यू का पिछले दो तीन साल से जो मेन्स में आ रहा है तो जो पहले का माना जाता था कि सिर्फ एक साल करंट अफेयर्स की तैयारी कर ली जाए और आपका मेंस के लिए काफ़ी रहता है वो अब थोड़ी सी बात वहाँ पे हो नहीं रही है अभी भी लगभग अगर 2017 की मेंस की बात करें तो 2014 या 2015 तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो अगर आप अभी कॉलेज में हैं और तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आज से ही तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए करंट अफेयर्स की तब जाके आप दो तीन साल में बहुत कम्फर्टेबल होंगे अपना यू पी एस के टाइम पर बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना शुरू कर दें मैंने जैसे कहा ग्रेजुअली रखिए उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए और जो आपको टॉपिक लगता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बनाइए और कंटिन्यूसली अपडेट करते रहिए बट यहाँ पर ध्यान रखिए कि नोट्स ऐसे होने चाहिए कि हम बाद में जाकर रिवाइज भी कर सकें अगर आप तीन साल तक नोट्स बनाते रहेंगे तो लगभग आपका एक पूरा कमरा भर जाएगा नोट्स का और फिर आप डेफिनेटली उनको कभी रिवाइज नहीं करने वाले हैं तो ये एक थम रूल है यूपीएससी प्रिपरेशन का कि अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकते हैं तो फिर वो चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं करंट अफेयर्स पे मेरी एक वीडियो है डेली नॉलेज ट्रैक पे आप उसको देख सकते हैं उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डील किया है कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी करी जाए एक सवाल जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है उनसे पूछते हैं कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए अपने कॉलेज की क्लासेस के साथ यू प्रिपरेशन का तो इसमें पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से इन्जॉय करिए क्योंकि कॉलेज लाइफ के बाद अगर आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी या यू पी का एग्जाम दिया तो कुछ नहीं पता कि एक साल लगेगा कि दो साल लगेगा तीन साल लगेंगे और वो साल काफ़ी स्ट्रेसफुल जाते हैं काफ़ी सारे फ्रस्ट्रेशन के साथ जाते हैं तो आई थिंक आपको अपने कॉलेज लाइफ जो है वो अच्छे से इन्जॉय कर लेनी चाहिए तभी आपके अंदर एक मोटिवेशन रहता है यूपीएससी के पढ़ने का ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको जो भी फ्री टाइम मिल रहा है अपने कॉलेज में सपोज़ कोई आपका फ्री पीरियड हुआ कोई ब्रेक हुआ कहीं पे और आपका एक घंटे या गैप है तो आप जाके डेफिनेटली लाइब्रेरी में जाके न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या योजना पढ़ सकते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपके दिमाग में रहेगा कि आपको तैयारी करनी है अगर आप फुल फजेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिन का लगभग दो से तीन घंटा डेफिनेटली आप कॉलेज के बाद रखिए चाहे रात का रखिए या सुबह का रखिए जिसमें आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें तो टाइम मैनेजमेंट आप जितना जल्दी सीख लेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बट यहाँ पे मैं ये कहूँगा कॉलेज की पढ़ाई को भी इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए दोनों का एक बैलेंस बना के रखिए अब बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज़ की देखिए टेस्ट सीरीज़ जो होती है यू की वो एकदम यू के पैटर्न पर होती है या थोड़ा एक लेवल ऊपर ही होती है तो वो भी जब आप जिस साल एग्जाम देने जा रहे हैं उसी साल ही लगभग छः महीने पहले से शुरू करिए तभी आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आप उन टेस्ट का बेस्ट यूटिलाइज कर सकें अगर आप अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही टेस्ट देने लग जाएंगे तो फिर आपकी ना उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी फिर आपके ना मार्क्स आएंगे उतने अच्छे और आपको डीमोटिवेशन आप डीमोटिवेट हो जाएंगे वहाँ पे तो पहले एक दो साल तो आप अपनी तैयारी करिए अपने इंटरेस्ट से तैयारी करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए अगर आप शुरू में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं और उनके आंसर्स लिख सकते हैं आप तो दैट इज़ मोर देन अनफ जब आप फाइनल प्रिपरेशन करेंगे तब आप किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए तो आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की कई लोगों के मन में प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या हम इतने अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे क्या इतनी सारी पढ़ाई करनी होती है क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो ये सब चीज़ें शुरुआत में ही अगर आप सोचने लगे तो आप तो एक तरीके से शुरू करने से पहले ही क्विट कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन शुरू करिए सारी चीज़ें अपने आप ग्रेजुअली होती जाएंगी जब आपका इंटरेस्ट बनेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेग बनेगी आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आंसर लिखने में भी उतनी ही मदद मिलेगी आपको तो आंसर राइटिंग के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखते रहेगा पहले लिखने की आदत डालिए चाहे आप डायरी लिख लिए या किसी एक इशू पर अपने ओपिनियन लिखिए अपने स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर फिर धीरे धीरे हम यू पी माइंडसेट पे आएंगे कि यू पी के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इनसाइट्स ऑन इंडिया है आई एस बाबा है जो कि फ्री इनिशिएटिव्स दे रहे हैं डेली आंसर राइटिंग के आप उनको फॉलो कर सकते हैं कि कैसे लोग वहाँ पे आंसर लिख रहे हैं और आप उसमें आंसर्स अपने हिसाब से उसमें लिख सकते हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें तो अगर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स जब मुझसे सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है कि अभी तो आपके पास कोई प्रॉब्लम किसी स्ट्रेस uh, लेने की कोई वजह ही नहीं है अभी तो बहुत टाइम है आपको यू एग्ज़ाम देने के लिए मोटिवेटेड रहने के लिए ज़रूरत उनको पड़ती है कि जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा है या जो कॉलेज के बाद तैयारी कर रहे हैं और उनका फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट नहीं क्लियर हो रहा है अभी तो आपका टाइम है इन्जॉय करने का इस प्रिपरेशन का इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए एक आई की लाइफ कैसे होती है क्या क्या उसको काम करने पड़ते हैं क्या क्या पावर्स होती हैं कितना सम्मान मिलता है सोसाइटी में उनको तो वो आपको मोटिवेटेड रखेगा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपना फ़ाइनल गोल अगर आपने ध्यान में रख लिया कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो डेफ़िनेटली खुद ही से ही अंदर से ही वो मोटिवेशन आ जाएगा और आप दिल से उसके लिए मेहनत करेंगे तो आई होप आपके जितने भी सवाल थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं और आपने कॉलेज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप ये एग्ज़ाम क्लियर करें और आपको भी देश की सेवा करने का मौका मिले देखते रहिए डेली नॉलेज ट्रैक ऑल द बेस्ट